अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अकमल हुज़ूर रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। इल्म उरूज़ का सिलसिला माफ़ कीजिएगा कि इल्म बयान का सिलसिला चल रहा है और इल्म बयान के बारे में हम मुस्तकिल अपने वीडियो लेसन्स में बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत हमने गालिबन तशबीह से की थी, फिर तलमी, फिर इस्तियारा रह गया है जी, तलमी और तजाहिल आरिफाना और इहाम वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज इस सबक में हम बात करेंगे एक नई सनत की जिसका नाम है हुस्न तालील। नई मतलब आपके लिए नई सनत की या इस वीडियो लेक्चर के लिए नई है, वैसे नई नहीं है। तो ये जो सनत है इसका नाम है हुस्न तालील और जैसा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को, फैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम से शुरुआत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसके नाम को आप का मतलब समझ में आ जाए। नाम का मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको चीज़ों को रटने की या ज़बरदस्ती याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से। जैसा कि इसका नाम है हुस्न तालील, हुस्न का मतलब खूबसूरत या खूबसूरती, और तालील लफ्ज बना है इल्लत से या अलल से। इल्लत यानी वजह बयान करना, तो तालील का मतलब वजह बयान करना और हुस्न का मतलब खूबसूरत, खूबसूरत वजह बयान करना। ये वो सनत है जिसमें शायर अपने शेर में किसी कुदरती काम की या किसी दीगर काम की या किसी घटना की, किसी हैपनिंग की कोई अलग वजह बयान करता है, मुनफरिद सी, डिफरेंट, एक्सक्लूसिव कोई वजह बयान करता है जो वजह दरअसल उसकी होती नहीं। यानी किसी काम के होने की या किसी घटना के घटित होने की जो एक्चुअल वजह ना हो, उससे हट के शायर कोई दूसरी खूबसूरत सी वजह बयान करे तो उसको हुस्न तालील कहा जाता है। किताब के अंदर जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि जब आप किताब पढ़ें तो आपको समझने में तकलीफ ना हो, मुश्किल अल्फाज की वजह में साथ साथ करता चलूँगा। उसने तालील, तालील के लफ्जी माने इल्लत यानी वजह बयान करने के हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें शायद किसी काम की या घटना की वजह बयान करता है, लेकिन ये वजह वो नहीं होती जो असल वजह होती है, बल्कि इससे हटकर शायद कोई नई वजह तलाश करता है, कोई नई वजह जो है वो उसका गुमान करता है, वो आपके सामने पेश करता है, जिससे शेर में हुस्न, निखार और एक नयापन, जिद्दत आती है। इस सनात में शायर किसी बात का वो सबब बयान करता है जो हकीकत में इसका सबब नहीं होता। मसलन फूल के खिलने की वजह ये बयान करना कि वो बुलबुल के नगमे पर खुश हो रहा है, बुलबुल के नगमा संजी पर खुश हो रहा है या खुशी में हंस रहा है। यानी शायर कभी ये कहे कि जो फूल खिल रहा है, उस फूल के खिलने की वजह जो है वो बुलबुल का गीत गाना है, गुनगुनाना है, बुलबुलों के गीत गाने से, या शायर ये कह दे कि मेरे माशूक के मुस्कुराने से जो है वो कली फूल में तब्दील हो गई। तो कलियाँ कभी भी फूल में किसी के मुस्कुराने से तब्दील नहीं होती, बल्कि शायर ने यह खूबसूरत सी वजह
अपने शेर में बयान की। मजीद वजाहत के लिए हम कुछ अशार देखते हैं, जिन अशार से आपको वाजे हो जाएगा कि दरअसल उसने ताली जो सनत है वो क्या है, और जब इम्तहान में आए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें किस शेर में उसने तालील मौजूद है। पहला शेर देखें, खुदा जाने सबा हर रोज क्या पैगाम लाती है। सबा यानी हवा। खुदा जाने सबा हर रोज क्या पैगाम लाती है कि पहरों कांपते रहते हैं तिनके आशियानों के पहरों पहरों कई पहर, जैसे हम कहते हैं दो पहर, पहला पहर दूसरा पहर, यानी कई पहर पूरे दिन तक, के पहरों कांपते रहते हैं तिनके आशियानों के। यानी शायर कह रहा है कि वो क्या वजह है जब हवा चलती है, जब सबा चलती है, तो वो क्या वजह है कि सबा के चलने से, हवा के चलने से जो तिनके हैं, जो घास के तिनके हैं, वो कांपने लगते हैं। ऐसी क्या डरावनी खतरनाक खबर जो है वो हवा लेकर आती है कि जिस खबर को सुनकर ये जो घास के तिनके हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये उस हवा की खबर को सुनकर कांपने लगते हैं। दरअसल इस शेर की खूबसूरती यह है कि आपने देखा होगा गार्डन में या बागात के अंदर, जब हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है, तो जो घास है, लंबी घास है, या जो पौधे हैं, वो तेज हवा चलती है तो वो तेज हवा के चलने से वो पौधे हिलने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है पौधे कांप रहे हैं, हवा की वजह से कांप रहे हैं, हवा के दबाव की वजह से कांप रहे हैं। लेकिन शायद ये कह रहा है कि वजह दरअसल उन तिनकों के कांपने की वजह या उन पौधों के कांपने की वजह ये नहीं है, या तिनकों के बने हुए जो आशियाने हैं, यानी जो घोंसले हैं, जब तेज हवा चलती है तो वो भी कांपने लगते हैं, तो इन तिनकों की या आशियानों की कांपने की वजह दरअसल तेज हवा चलना नहीं है, बल्कि ये जो हवा आ रही है, ये दूर से कोई ऐसा डरावना या खतरनाक पैगाम लेकर आ रही है कि जिनको सुनकर डर के मारे ये तिनके या आशियाने जो है वो कांपने लगते हैं। यानी कोई ऐसी खबर ये हवा ला रही है जो बेहद डरावनी है, खतरनाक है, जिसके अंदेशे से ये तिनके या तिनकों से बने हुए ये परिंदों के घोंसले ये कांपने लगते हैं। तो यहाँ वजह जो है वो हकीकी वजह से हटकर एक नई वजह शायर ने अपने तखय्युल में पैदा की और उसको शेर में पेश किया, तो इसको हम कहते हैं हुस्न तालील, यानी एक खूबसूरत सी वजह, एक खूबसूरत सी इल्लत जो है वो पेश करना। दूसरा शेर देखें, प्यासी जो थी सिपाह ख्वातीन रात से। सिपाह ख्वातीन, के करबला के मंजर के बारे में बात की जा रही है कि जो सिपाही हसन हजरत हसन के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, तो उनके फौज में जो ख्वातीन थी या उनके साथ जो उनके बीवी बच्चे अहलो अयाल थे, उसमें जो खेमे माहौल के थे, उनके बारे में बात करते हुए शायर कह रहा है कि प्यासी जो थी सिपाह ख्वातीन रात से साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। जो दरिया फरात है उसकी मौजें साहिल से सर पटक रही थी। किस लिए पटक रही थी? इसलिए सर पटक रही थी क्योंकि हजरत हसन के खानदान की जो औरतें हैं वो अपने खेमों में प्यास से तड़प रही हैं। तो ये जो मौजें हैं फरात की, ये अपना सर दे देकर, लहरें अपना सर दे देकर फुरात के साहिल पर मार रही थी और अफसोस कर रही थी कि हम किस काम के हैं, हम यहाँ मौजूद होते हुए भी, हमारी मौजूदगी के बावजूद भी जो है हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ख्वातीन जो है खेमे के अंदर प्यास से तड़प रही हैं। हमारा होना, हमारा ना होना जो है वो किसी काम का नहीं, हमारा होना बेकार है। यानी गम के अंदर, अफसोस के अंदर, कफे अफसोस में जो है वो जो दरिया की लहरें हैं वो अपना सर दे देकर साहिल पर चट्टानों पर मार रहे। अब इस शेर को समझने के लिए आप इस बात को भी समझें कि जब किसी शख्स को अफसोस होता है, गम होता है, तो वो अपना सर जो है वो दीवार पर
देकर मारा करता है। गम के अंदर, अफसोस में कई बार हम अपने सर को पटक लिया करते हैं। सर पटकना एक मिसाल भी मशहूर है कि उसने अपना सर पटक लिया। तो गम के अंदर, परेशानी के आलम में, मुसीबत के आलम में, टेंशन के आलम में अक्सर लोग कहते हैं कि सर पटक रहा है, कोशिश कर रहा है, सर गर्दा है या अफसोस में है। तो शायर ये कह रहा है कि ये जो साहिल, दरिया का जो साहिल है, दरिया फुरात का जो साहिल है, उसके किनारे पर लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और आकर अपना सर जो है वो चट्टानों से देकर मार रही है। तो हकीकतन ये एक नॉर्मल अमल है। साहिल पर, किसी भी साहिल पर जब आप जाएंगे तो लहरें उठती हैं और चट्टानों से टकराती हैं और वापस चट्टान पर ही गिरती हैं, समंदर में मिल जाती है। तो ये एक नेचुरल अमल है, लेकिन शायर ने इसको इसको ताबीर किया इस बात से कि दरअसल ये जो दरिया फुरात है वो अपना सर जो है वो साहिल पर बनी हुई चट्टानों पर दे देकर मार रहा है, इस अफसोस में, इस गम में, कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो ख्वातीन है वो खेमे के अंदर प्यासी हैं। तो एक अलग वजह जो है शायर ने साहिल पर उठने वाली लहरों की और उनकी गिरने की, एक अलग वजह जो शायर ने बयान की, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये हुस्न तालीम का शेर। एक और शेर देखें। हो रहा है हाय मेरा मातम तशना लगी। शायर कह रहा है कि मेरे प्यासे होंठों का मातम हो रहा है। मातम तशना लगी, तिश्ना लग, तिश्ना यानी प्यासे होंठ, लग यानी होंठ, और मातम यानी मातम, दुख हो रहा है। मेरे प्यासे होंठों का मातम मनाया जा रहा है। प्यासे होंठ से क्या मुराद है? यानी मुझे जो है वो शराब या मैं जो है वो हासिल नहीं हुई, मैसर नहीं हुई, इस वजह से जो है वो मेरे सूखे हुए होंठों का मातम मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है देखें। हो रहा है हाय मेरा मातम तशना लगी, रो रहा है खुद ब खुद शीशे से मिलकर जाम भी। शीशा, शीशा का मतलब बोतल, शराब की बोतल, मैं की बोतल। शायर कह रहा है कि मेरे तशना लगी का मातम ऐसे हो रहा है कि जो शराब की बोतल है वो जाम के साथ मिलकर जो है वो मातम कर रही है। रो रहा है खुद बखुद शीशे से मिलकर जाम भी। शीशा जो है, बोतल जो है और जाम जो है, वो आपस में मिलकर रो रहे हैं, तो इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि हाय जो शायर है वो जो है तशना लग है, जो बात कहने वाला है वो तशना लग है। अब मातम के संदर्भ में कर रहे हैं, दरअसल शायर तस्बीह किस चीज की दे रहा है? जब जब बोतल को तिरछा किया जाता है और जाम के अंदर शराब को उंडेला जाता है, तो बोतल के अंदर से शराब गिर रही है, और इस शराब के गिरने के अमल को शायर जो है वो आंख से गिरने वाले आंसुओं से मिलाकर बात कर रहा है। जब कोई आदमी अफसोस करता है, तकलीफ में होता है, किसी के लिए अफसोस करता है, तो उसके आंख से आंसू निकलते हैं और उसके आंखों से आंसू निकल कर उसके गालों पर बहने लगते हैं। तो शराब की बोतल को जब टेढ़ा किया गया और उससे जो जाम के अंदर शराब गिर रही है, उसने उसको शायर जो है वो आंसुओं से, बोतल के आंसुओं मानते हुए ये बात कह रहा है कि शीशे से जाम मिलकर ऐसा लगता है रो रहा है और मेरे प्यासे लोगों का मातम कर रहा है। तो वजह असल में ये नहीं है, वजह तो ये है कि जब बोतल को आप तिरछा करेंगे तो उसमें जो भी पानी है या शराब है वो अपना बाहर आएगी, और उसके बाहर आने की वजह ये नहीं है कि वो कोई मातम कर रही है शायर के तशना लगी का, सूखे होंठों का। लेकिन शायर ने एक अलग मिसाल बयान की, शायर ने एक अलग वजह बयान की अपने तशना लबी के साथ इसको जोड़ते हुए, तो हम इसको कहेंगे ये हुस्न तालीम का शेर। एक शेर और देख लें। जेरे जमी से आता है जो गुल सो जर बकफ, जर बकफ, जर यानी सोना, सोने से लदा हुआ। आप देखोगे बहुत सारे फूल जमीन से निकलते हैं जो पीले रंग के होते हैं, ऐसा लगता है कि ये सोने के फूल हैं, सुनहरे फूल हैं। तो उन फूलों को देखकर शायर के जहन में बात आई, वो बात कह रहा है कि जेरे जेरे जमी, जेर का मतलब नीचे, आप कायदे पढ़ते हैं अलिफ जेर ई, अलिफ जेर, जेर जेर क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसको नीचे लगाया जाता है, तो जेर का मतलब होता है नीचे। जेरे जमी से आता है जो गुल सो जर बकफ, जमीन के नीचे से जो भी फूल निकल रहा है वो सोने से लदा हुआ है। कारों ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। अब शायर कह रहा है कि ये क्या, ये वो रास्ता तो नहीं जिस रास्ते पर, या ये जो जमीन से जो सुनहरे सुनहरे फूल निकलना है, क्या इस रास्ते से कारून तो नहीं गुजरा, उसने अपना खजाना तो नहीं लुटाया, कि वो खजाना जमीन के अंदर चला गया और वापस फूलों की शक्ल में जो है वो
वापस निकल कर आ रहा है। तो फूलों का सुनहरा होना यह कुदरत है अल्लाह ताला की, और ये किसी जमीन के अंदर के सोने की वजह से नहीं है या कारून के सोने की वजह से नहीं है, लेकिन शायर ने एक फूलों के सुनहरे होने को जो है वो एक अलग उसकी इल्लत बयान की, उसकी वजह बयान की, इसलिए हम कहेंगे कि ये हुस्न तालील का शेर है। एक आखिरी शेर और देख लें कि अब जो पत्थर है आदमी था कभी, अच्छा शेर है, आसान भी। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। अब जब तक आप शेर समझेंगे नहीं तब तक आप ताली तक उसने ताली तक नहीं पहुंचेंगे। शायर कह रहा है कि अब जो पत्थर है वो आदमी था कभी, यानी जो आप जिस अभी जो मूर्ति देख रहे हैं, दरअसल ये मूर्त नहीं है, ये मुजस्समा नहीं है, ये स्टैचू नहीं है, बल्कि ये किसी जमाने में आदमी हुआ करता था। दूसरा हमेशा क्या कह रहे हैं, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। अब ये जो आदमी आपको मूर्ति की शक्ल में नजर आ रहा है, दरअसल ये इंतजार की वजह से है, इसने मुद्दतों अपने महबूब का इंतजार किया, अपने माशूक का इंतजार किया, और उस इंतजार में ये इंसान से पत्थर की मूरत हो गया, ये असल में इंतजार है। तो इस शेर में अगर आप देखेंगे, शायद किसी बुत के इंसान के बुत में बदलने की वजह को जो है उसकी वजह बयान कर रहा है इंतजार, जबकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बुत जो है वो पहले इंसान हो या कोई भी इंसान जो है वो बुत में तब्दील हो जाए इंतजार करने की वजह से। इतना लंबा इतना मुद्दतों इंतजार हुआ नहीं करता, और हो भी जाए तो आदमी बुत में तब्दील नहीं होता। तो एक खूबसूरत सी वजह शायद ने यहाँ बयान की है कि जो बुत है वो भी कभी आदमी था, इंतजार की मुद्दत बहुत तवील होने की वजह से ये पत्थर में तब्दील हो गया, बुत में तब्दील हो गया, जबकि हकीकी वजह यह नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खूबसूरत सी वजह है और इससे शायरी में और शेर में हुस्न और खूबसूरती पैदा हुई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इस शेर में सनते हुस्न तालील का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की मजीद अशार आपको देखने सुनने पढ़ने को मिल जाएंगे, जदीद शोरा कराम की शायरी में भी मिल जाएंगे आपको, तो आप मजीद मुताला करें, और जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे कि आप अशार को पढ़ें, और इस बात का की कोशिश करें, अंदाज़ा लगाएं कि इस शेर में कौन सी सनत है, तशबीह है, कलमी है, ये आम है, मुरातुन नज़ीर है, या उसमें तालील है, इस्तियारा है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा और आपको मश्क नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शोरा कराम के अशार को पढ़िए, और पुराने शायरों के कलाम को भी पढ़िए, और अपनी तरफ से खुद कोशिश कीजिए कि आप जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि किस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया। फ़क़त बस।